नाम जानवी परमार है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं डूंगरपुर में रहती हूँ। मैं मेरे मामा के साथ आ रही थी और अचानक से एक्सीडेंट हो गया। मैंने जब मेरी आंखें खोली और मुझे बहुत भीड़ दिखाई दी और मैं बहुत डर गई थी कि हुआ क्या। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मामा की ओर देखा तो मामा तो थे ही नहीं। फिर अचानक से एक एम्बुलेंस आई और उनके ले गए। जब मैंने आंखें खोली और मैंने मेरे पाँव की तरफ देखा तो मेरा पाँव था ही नहीं। तब मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पाँव कहाँ गया। तब पापा मेरे सामने खड़े थे और मैंने कहा कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाए। लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोछ देना, मैला सा लागे जहां। और फिर उसके बाद हम घर आए। घर में भी मुझे समझ नहीं आता था, मैं खुद पर चल नहीं पाती थी। तो फिर मुझे होता था कि मैं चल नहीं पाती हूँ, स्कूल जाती भी नहीं पाती थी, तब भी मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर पापा ने एक बार मुझे उदयपुर ले गए। पापा ने मेरा नाप लिया और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मेरा पाँव लग गया। तब मैं बहुत खुश थी, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं इसको पाँव को पा के मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चल पाती हूँ और मैं खेल पाती हूँ, मैं और भी चीज़ें कर पाती हूँ उस पाँव के कारण। और मैं अपने घर में थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो मैं नारी सेवा संस्था को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पाँव दे दिया। चल सकती हूँ उससे, मैं फिर सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। थैंक यू।